खोपर वैली के तरफ अभी हम रास्ते में हैं। आज मौसम भी थोड़ा सा बादल छाए हैं आसमान में और ठंडे मौसम, और खोपर वैली में जाहिर सी बात है कि वो वैली है ही ठंडी। चल अभी हम थोड़ी देर में खोपर वैली पहुंचेंगे और हमने वहाँ पर खाना खाना है। खाना खा के हम आपको उस खोपर वैली के जो खूबसूरत जगह हैं, जो ग्लेशियर है, वो आपको दिखाएँगे। माशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट मौसम है ना इधर, बहुत बहुत बाबू सर टाप जैसा यहाँ पे वैसे ही मौसम है जैसे वहाँ पे ठंड थी, अगर यहाँ पे कुछ कम है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:30 बजे। अभी 4 बजे हम यहाँ ऊपर वैली पहुँचे हैं। सफर भी काफी टफ था, चढ़ाई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हम यहाँ होटल पे बैठेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद हम आपको ग्लेशियर दिखाएंगे, यहाँ का मशहूर ग्लेशियर। फैमिली के साथ हैं तीनों दोस्त, और महबूब भाई आसिफ भाई के दोस्त हैं यहाँ पे गिलगित के, तो उनका टाइम देने का बड़ा शुक्रिया। असा खैरपुर वाला दोस्तों अचो जो है इंटीरियर वाला सिंधी भैरव दोस्तों, तो इतने जो है फैमिली से एक चक्कर मानू जो है साल में जो है ना जरूर टूर हणे बार भी इंजॉय कन था। ये ग्लेशियर दिखाना था जो हम आपको लेके आए हैं इधर। यहाँ से आप जाएंगे तो इधर से ये आप रास्ता है, ये जो है वो आप आते आते थे इसी, हाँ इसी लास्ट से आप ग्लेशियर तक पहुंच जाएंगे। तो बस टूरिस्ट जाते हैं यहाँ से चल के जाते हैं, ये देखें ये टूरिस्ट हैं। देखें एक दुकान भी बल्कि बनाई है, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊंगा गाइस जी। देखिए बिल्कुल इस ग्लेशियर के बिल्कुल बाजू में ये होटल भी बना है, यहाँ पर छतरियाँ वगैरह भी हैं, टेबल कुर्सियाँ हैं, तो लोग वहाँ बैठते हैं और टूरिस्ट जाके ग्लेशियर के ऊपर जो है तस्वीरें भी बनाते हैं, वहाँ पे बैठ के चाय पानी भी पीते हैं।